क्या आप भी अक्सर जब खाना बनाती हैं तो खाना बनाते वक्त जो छिलके होते हैं उनको फेंक देती हैं? अगर आप खाना बनाते वक्त छिलकों को फेंक देती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप छिलकों का उपयोग कर सकती हैं अपने परिवार की और अपनी सेहत की वृद्धि के लिए, और कैसे आप फलों के छिलकों का उपयोग कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फलों की, और फलों में सबसे पहले हम सेब की बात करेंगे। तो जो सेब होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, और आप जब भी सेब का यूज करें तो आप इसका छिलके सहित यूज करें, ना कि इसको छील के, क्योंकि जो इसके छिलके होते हैं वो इसके छिलके जो इसके गूदे की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक पोषक तत्व तो इसके छिलके में पाए जाते हैं। तो इसके छिलके इसके गूदे की तुलना में अधिक फ़ायदेमंद होते हैं, और आप इसके छिलकों का इस्तेमाल नहीं करते, इसके गूदों का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इसके गूदे का भी इस्तेमाल करें, लेकिन आप इसके छिलके का ज़रूर इस्तेमाल करें। साथ ही साथ जो आप गाजर खाते हैं, गाजर अक्सर आप छील के खाते हैं, या फिर आप चाहें उसको कच्चा खाएं, या फिर आप उसका हलवा बनाएं, तो अक्सर आप उसको छीलने के बाद ही बनाते हैं। आप इसको छील के नहीं, आप इसको अच्छे से धो के इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतना मोटा इसका छिलका नहीं होता है। और जब आप इसको धो के इस्तेमाल करेंगे, छिलके सहित इस्तेमाल करेंगे, तो ये आँखों की रोशनी के लिए तो फ़ायदेमंद होगा ही, आँखों के लिए तो पूरी गाजर फ़ायदेमंद होती है, लेकिन अगर आप इसको छिलके सहित इस्तेमाल करेंगे तो आपके परिवार में अगर कैंसर की हिस्ट्री रही है तो ये आपके लिए अधिक फ़ायदेमंद होगा। और कैंसर से कहीं ना कहीं गाजर के छिलके गाजर की तुलना में अधिक बचाव करते हैं। इसके साथ ही साथ अगली चीज़ हम आलू को लेंगे। जब भी आप आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, आलू को आप छील लेते हैं। प्राचीन काल में या पुराने समय में छिलके सहित आलू की सब्ज़ी बनाते थे। बस आप इसको ठीक से धो लें, और लोग खाना खाते वक्त आलू के छिलके निकाल देते थे। आप भी अगर ऐसा हो सके तो खाना खाते वक्त आप आलू के छिलके निकाल दें, और ये आलू से अधिक फ़ायदेमंद होगा। लौकी के छिलके, साथ ही साथ बैंगन के छिलके, मूली के छिलके और खीरे के छिलके, इन सब के छिलकों को भी अधिक इस्तेमाल किया जाता है। आप जितने भी फल हैं जिनके छिलके टाइट नहीं हैं, आप उन सब चीज़ों के छिलके इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको इस तरह का कुछ डर लगता है कि इन पे कहीं केमिकल तो नहीं छिड़क दिया गया है, तो आप सेब पे तो पहले ये निर्धारित कर लीजिए कि सेब पे कहीं बैग्स तो नहीं हैं। और अगर सेब पे बैग्स नहीं हैं, और बाकी जितनी भी फल और सब्जियां हैं जिनके छिलके खाए जा सकते हैं, यानी कि जिनके छिलके पहले की अपेक्षा सॉफ्ट हैं, आप आसानी से पचा सकते हैं, आप उनको गर्म पानी में थोड़ी देर नमक डाल के रख दीजिए, और लगभग 10 या 15 मिनट बाद आप उनको अच्छे से रगड़ के धो लीजिए। तो अगर उन पर किसी तरह का कुछ केमिकल का छिड़काव किया गया है, तो वो केमिकल के छिड़काव जो अगर आपके शरीर में जा सकता है, जो नुकसानदायक हो सकता है, वो नहीं रहेगा, और आप बेफिक्र होकर छिलकों का इस्तेमाल, यानी कि सब्जियों के छिलकों का इस्तेमाल आप कर पाएंगे, या फल के छिलकों का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको लास्ट में एक सब्जी और है, या एक फल और है, कुछ लोग उसको फल भी मानते हैं, कुछ फल के सब्जी भी बना लेते हैं, वो है तरबूज। और आप तरबूज के छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तरबूज के छिलकों की चटनी बहुत अच्छी लगती है। आप किसी भी YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं कि तरबूज के छिलकों की चटनी कैसे बनाई जाती है, और आप इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। इसकी सब्जी कुछ कुछ इस तरह का स्वाद आता है, जैसे कि लौकी की सब्जी होती है। तो आज हमने छिलकों के खाने के फ़ायदे के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।